सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। एक और टेक्निक हम डिस्कस करेंगे आज, उसका नाम है माइक्रो डाइसेक्शन। अब देखें, वर्ड माइक्रो मीन्स स्मॉल और डाइसेक्शन मीन्स टू कट। हम कट लगाते हैं आल जो ऑब्जेक्ट है उसकी, जिसको हम आंख से नहीं देख सकते, तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं, और माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए हम डाइसेक्शन करते हैं। तो ऐसी टेक्निक को हम कहते हैं माइक्रो डाइसेक्शन। ठीक है, सेल बायोलॉजी में हमें एक सेल लेना होता है, टिश्यू में से एक सेल लेना होता है, तो हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। या किसी ऑर्गन में से एक सेल लेना हो तो इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस टेक्निक में माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू एग्जामाइन द डाइसेक्शन। डाइसेक्शन को एग्जामाइन करने के लिए, असिस करने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। और माइक्रोस्कोप हमें पता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों को देखने के लिए जो हम अपनी नेक्ड आईज से नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसमें हम क्या किसको यूज़ करते हैं, इसमें एग्जांपल आ जाता है टू रिमूव द ट्यूमर। ट्यूमर को रिमूव करने के लिए भी हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, और ग्रेन्यूल्स फ्रॉम द डेलिकेट टिश्यूज में से किसी सेल को निकालने के लिए, या सेल लाइक कहाँ से सेल निकालते हैं, ब्रेन में से निकालें, हार्ट में से निकालें, या नर्व सेल्स जो है निकालने के लिए हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें मज़े वाली बात इसमें ये होता है कि जो इमेज है वो एक बड़ी सी स्क्रीन में इमेज नज़र आ रहा होता है, और जो इस टेक्निक को यूज़ कर रहा होता है उसको इमेज सामने जो है स्क्रीन में नज़र आ रहा होता है, और उस इमेजेस को देखते हुए वो जो है एक सिंगल सेल टिश्यू में से लेता है। ठीक है, तो एक और टेक्निक जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इसको हम फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट्स को जानने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हम पत्तों को लेके उसको ग्रेंड करके उसका मिक्सचर बना के उसमें से देखते हैं कि इन पत्तों में से कौन कौन से पिगमेंट्स हैं। तो प्लांट्स में जब पिगमेंट्स को हम डिटेक्ट करते हैं तो ये हम टेक्निक यूज़ करते हैं, और भी बहुत जगह पे ये टेक्निक यूज़ होती है। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज़ यूज टू सेपरेट द डिफरेंट केमिकल कंपाउंड और पिगमेंट्स फ्राम द मिक्सचर। मिक्सचर में से पिगमेंट्स को अलग करना या केमिकल कंपाउंड को अलग करना, इस टेक्निक को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। बहुत सारी क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स अवेलेबल है, मगर जो सस्ती और अच्छी जो टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो दुनिया भर में इस्तेमाल होती है। ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी के दो फेजेज हैं, एक स्टेशनरी फेज़ है, दूसरा मोबाइल फेज़ है। स्टेशनरी फेज़ हम कहते हैं जब हम पेपर यूज़ करते हैं, जिसको सेलुलोज फिल्टर पेपर कहते हैं। इस पेपर पे सॉल्वेंट जब मूव होता है तो इस फेज़ को हम कहते हैं मोबाइल फेज। मोबाइल फेज़ में हमारा सॉल्वेंट है इन विच सैंपल मिक्सचर इज़ डिज़ोल्व, जिसके अंदर हमारा सैंपल जो है वो डिज़ोल्व है। जैसे हम कुछ पत्ते ले लें, उनको हम ग्रेंड करके लीव्स को और उसका मिक्सचर बनाएं, इन पत्तों को लीव्स को हम ग्रेंड करके पिस्टल एंड मॉर्टल यूज़ करके इसमें एसीटोन डाल के इसका मिक्सचर बनाएं, और इस मिक्सचर को हम नीचे पुट कर दें, ये हमारा मिक्सचर है फॉर एग्जांपल, और इस मिक्सचर को ऐसे एक जो है बीकर है उसमें डाल दें, और क्लिप की मदद से ऊपर हम ये जो ग्रीन मैंने दिखाया है, ये हमारा जो है पेपर है, ये जो है हमारा है सेलुलोज फिल्टर पेपर है। सेलुलोज फिल्टर पेपर को थोड़ा सा हम डिप करें हमारे मिक्सचर के अंदर, तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो ये जो सॉल्वेंट है ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे, और जो हमारा सेलुलोज फिल्टर पेपर है उसमें डिफरेंट डॉट्स नज़र आएंगे, डिफरेंट कलर के डॉट्स नज़र आएंगे। ये जो डिफरेंट कलर के डॉट्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे ये पिगमेंट्स है ना। जैसे ऑरेंज कलर होगा तो कैरेटिनॉइड्स हो जाएगा, येलो कलर होगा तो जेंथोफिल हो जाएगा, जैसे ब्लूश ग्रीन है, येलोश ग्रीन है, जैसे क्लोरोफिल ए बी, ऐसे हम जो है इन पिगमेंट्स को हम अलग कर सकते हैं, और हमें ये पता चल सकता है कि इन लीव्स में या जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं, उसमें से हम जो है केमिकल कंपाउंड को इस तरीके से अलग करते हैं। अब एक बात यहाँ पर और आपने नोट करनी है, अब इस पेपर को हम कहेंगे क्रोमेटोग्राम, जिस पे डॉट आ गए हैं, जो आपका पहले था ये सेलुलोज फिल्टर पेपर, अब इस पेपर को हम कहेंगे क्या, क्रोमेटोग्राम।